हाय गाइस, वेलकम टू मलिकास किचन। तो आज हम बनाएंगे ओरियो कोल्ड कॉफ़ी विद वनीला आइसक्रीम। जो कॉफ़ी लवर है ना, इनको ये बहुत अच्छी लगने वाली है, जिनको कॉफ़ी या फिर कोल्ड कॉफ़ी पसंद होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिक्सर जार में हमने यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लास दूध लिया है, और इसके साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आपको कितना मीठा खाना है उसके हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा। तो देखिए, चीनी मैंने 4 चम्मच डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कॉफ़ी। ये देखिए, एक पाउच है, ये पूरा पाउच में डालूंगी। और अगर आप दूसरा वाला डालेंगे नाप के, तो कम से कम 1 बड़ा चम्मच इसमें कॉफ़ी जाएगा, या फिर थोड़ा सा और जाएगा, जो आप मतलब कितना स्ट्रांग आप पीते हैं उसके हिसाब से आप कॉफ़ी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओरियो के बिस्किट लिए हैं, कम से कम 6-7 बिस्किट मैं डालूंगी यहाँ पर। अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है तो आप इसकी जगह चॉको चिप्स या फिर चॉकलेट थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी खूब सारा बर्फ़। अगर आपके पास थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम है तो थोड़ा सा इसमें डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। तो देखिए, इसका ढक्कन हमने लगा लिया, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास में हम लेंगे हर्षी का चॉको सिरप। इसको मैं क्या करूँगी, ग्लास के चारों ओर ऐसे करके लगा लेंगे फैला के, आप देखिए। और अगर आपको थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखना है या फिर बाद में इसको प्रेजेंट करना है, तो आप इसको ऐसे करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो चॉकलेट जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, कोल्ड कॉफ़ी जो हमने बनाया था इसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे, और साथ ही मैं डालूंगी थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कितना आपको खाना है। और यहाँ पर मेरे पास एक स्टिक था वेफर का, वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हर्षी सिरप डाल दूंगी, आप चाहे तो इसकी जगह चॉको चिप्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो कोल्ड कॉफ़ी है बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे ठंडा ठंडा अपने घर पर ट्राई करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।